दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का व्याख्या करेंगे और देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? ये है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ए माइक्रोन, बी नैनोमीटर, सी एंगस्ट्रम और डी फर्मीमीटर। सही आंसर है फर्मीमीटर। अब देखिए, ये क्वेश्चन UPPCS 2005 में पूछा गया है। चलिए अब इसी तरीके से अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसका, ये उत्तराखंड PCS में पूछा गया, तो इसका सही जवाब है सी, क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है सी, जल का बहाव। अब देखते हैं क्यूसेक, क्यूसेक का क्या होता है? तो क्यूसेक मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड, माने जल बहाव की दर मापने की ये इकाई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सोनार, ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया है PCS 2011 में। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा और डी नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार का जो प्रयोग किया जाता है वो नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। तो सोनार, सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु को, समुद्र में जो वस्तु डूबी हुई रहती है उसका स्थिति जानने के लिए ऊंचावृत्ति की परास्रवित तरंगे को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। यह तरंग जो है सो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति का जानकारी जो है सो मिल जाता है। चलिए अब इसी तरीके से अब जो है सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी जस्ट इससे पहले पढ़े हैं, तो क्या चीज़ के लिए किया जाता है? तो डी आंसर होगा, सही आंसर डी, सोनार का उपयोग किया जाता है। चलिए तो अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की तरफ, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता है उसको क्या चीज़ से मापा जाता है? तो ए है क्रोनोमीटर, बी है अनीमोमीटर, सी ऑडियोमीटर और डी ऑडियोफोन। तो इसका सही जवाब है डी ऑडियोमीटर, इसका सही जवाब है डी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर, देखिए शुरू में जो था ये एनीमोमीटर से वायु के वेग की माप की जाती है। चलिए अब यही क्वेश्चन देखिए, फिर MPPCS में पूछा गया है, ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब देखिए, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो ए है बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी विंड। तो अभी जस्ट बताएं व्याख्या की है उसमें, तो इसका सही जवाब होगा बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और इसमें है एक और बैरोमीटर, तो देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और इसी तरीके हाइड्रोमीटर के द्रव जल के घन, हाइड्रोमीटर द्वारा जल के घनत्व का मापन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर वही दोहराया गया है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? तो फिर वही है, ए पानी के बहाव की, बी पानी की गहराई की, सी पवन वेग का, डी प्रकाश की तीव्रता। तो सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का गेसिंग कीजिए आंसर। तो सही इसका आंसर होगा, हम बता रहे हैं एनीमोमीटर से किसका होता है? तो एनीमोमीटर से सी पवन वेग का, चलिए वायु के वेग का। अगला, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर ये 2004-2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पाइरोमीटर का सही जवाब, मतलब कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब के, बी आर्द्रता के, सी उच्च ताप के, डी घनत्व के। तो सही जवाब सी उच्च ताप के, मतलब कि उच्च ताप के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्र में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है 2009 में UPPCS में। तो पाइरोमीटर ए ऑप्शन, बी फोटोमीटर, सी फोनोमीटर, डी पैक्नोमीटर। तो इससे जो ऊपर का क्वेश्चन था सेम वही आंसर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग हो तो वह है, मतलब कि 2000 डिग्री सेल्सियस कौन सा थर्मामीटर मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। इसका देख लेते हैं, तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं जो गति में रहता है उसका तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना तथा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें उसमें विकिरण के मापन का द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां, पाइल हीलियोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो पहला सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, सी हवा ताप को, डी पौधों के ताप को। तो इसका सही जवाब होगा सोलर रेडिएशन। पाइरो हीलियोमीटर का उपयोग जो है सो सोलर रेडिएशन के मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? कि UPPCS 1990 में पूछा गया है। तो मैनोमीटर, जब देखो मैनोमीटर, ऑप्शन ए है वायु दाब का, बी गैसों के दाब का, डी सी हवा द्रवों के घनत्व का, डी सतह पर तेल का दबाव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी गैसों के दाब का। इसमें क्या कहता है, तो मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही और ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी स्पेक्ट्रोमीटर और डी है यूडियोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा हवा में आर्द्रता। तो हवा में आर्द्रता के लिए सही जवाब बी हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। हवा की आर्द्रता
को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। तो कहना स्पेक्ट्रोमीटर जा रहा है वहाँ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वाला ऑप्शन होगा उसका मार दीजिएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को हम लिखे हैं। इस तरीके से आपको हर वीडियो में मिलता चला जाएगा, अभी बनाते चले जाएंगे, जिसमें केवल पूछा हुआ क्वेश्चन आपको वो जीके सेक्शन में मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ए वातावरणीय आर्द्रता, बी वातावरणीय दाब, सी उच्च ताप, डी वायुवेग। तो इसका सही जवाब होगा ए वातावरणीय आर्द्रता। इससे पिछला क्वेश्चन सेम था, उसी तरीके से क्वेश्चन बदल बदल के रहता है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन वही रहता है, ऑप्शन बदल देता है, क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन सबका आंसर एक ही होगा। अब आर्द्रता का मान अंकित करने का उपकरण निम्न से कौन सा है? यार ऐसे पूछा गया है, तो ए है थर्मोस्टेट, बी पायरोमीटर, सी हिप्सोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता जब भी आएगा तो इसका सही जवाब डी हाइग्रोमीटर। अब आर्द्रता को मानकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है, और पायरोमीटर जो है सो उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो देखिए पायरोमीटर से उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है, ये याद रखिएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा? तो रक्तदाब क्या चीज से मापा जाता है? देखिए ए है टेक्नोमीटर, बी है स्फिग्नोमैनोमीटर, सी है एक्टीमीटर और डी है बैरोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा बी स्फिग्नोमैनोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1500 से डिग्री से अधिक ताप मापने के लिए तो ए है चिकित्सीय थर्मामीटर, बी ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, सी प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर और डी पायरोमीटर। सही जवाब डी पायरोमीटर से 1500 डिग्री से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो पायरोमीटर। चलिए अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु पायरोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है कैसे किया जाता है? तो ए रिएक्टर पैमाने पर, बी केल्विन पैमाने पर, सी डेसिबल और डी पास्कल। तो इसका सही जवाब होगा ए रिएक्टर पैमाने। भूकंप का मापन क्या चीज में किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ताप के निम्नांकित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए है सेल्सियस, बी है फॉरेनहाइट, सी है केल्विन और डी है रूमर। तो ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान है? तो ताप के सही आंसर है सी, ताप के केल्विन मान पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, तो देखिए सेल्सियस फॉरेनहाइट एवं रूमर, सेल्सियस फॉरेनहाइट और रूमर ये तीन होता है पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ये MPPCS से पूछा गया। ऑप्शन ए भूकंप, बी वर्षा, सी समुद्र की गहराई और ऑप्शन डी है ध्वनि तीव्रता। तो सही जवाब है सी समुद्र की गहराई। फैदोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ये यूपी लोअर में सब इंस्पेक्टर पूछा गया है सबऑर्डिनेट वाले में। तो झूठ का पता लगाने के लिए हम ए पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं, क्या चीज़ का? पॉलीग्राफ का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण यंत्र किस व्यक्ति की सहायता करता है? अच्छा साधारण यंत्र तो किसी व्यक्ति साधारण यंत्र जो होता है वो किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो ऑप्शन ए है कम काम करने में, बी कम बल का उपयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में, सी उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, डी उतना ही मात्रा में काम अधिक। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या कहता है? तो ऑप्शन बी कहता है कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में कम काम करने का। तो साधारण यंत्र जो है सो किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने का, यही सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन डी वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो इसका सही जवाब होगा बी घटेगी। इसका सही जवाब है बी घटेगी। यदि व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है तो गहरी सांस लेगा, जब सांस लेगा तो उसकी जो है तराजू की रीडिंग घटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति की गहरी सांस में तराजू की रीडिंग घटेगा अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा, यही कहने का मतलब अर्थ हुआ। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो क्या है अगला क्वेश्चन, वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब कि वाशिंग मशीन जो है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण, बी अपोहन, सी उत्क्रम प्रासरण और डी विसरण। तो इसका सही जवाब होगा ए अपकेंद्रण। ये जो वाशिंग मशीन अपकेंद्रण के कार्य पर अपकेंद्रण कार्य सिद्धांत पर ये कार्य करता है। चलिए अब तरीके वह प्रतिक्रिया बल इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा ए संवेग। इसका सही आंसर संवेग होगा क्योंकि दाब ऊर्जा और कार्य जो है सो अदिश राशि है। अब आगे बढ़ते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो सही आंसर होगा सी द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान जो है सो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। और इसका सूत्र देखेंगे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग अब बट्टा वेग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बल गुणनफल है, ये 45वां बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। बल किसका गुणनफल है? तो ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, बी है द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग सी है भार और वेग का, डी है भार और त्वरण का। तो बल है गुणनफल बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है सो किसका गुणनफल है? तो बल जो है सो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, मतलब कि हवा कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों। तो सही आंसर है बी, केवल गतिज ऊर्जा। हवा जो होती है तो गतिज ऊर्जा होती है, बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। अब अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? ए अस्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण, और डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्थिरता का जड़त्व। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क हुआ हिस्सा गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। उसी के अनुसार, उसी के मतलब के स्वरूप यात्री का जो है शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, मतलब सड़क पर चलना आसान है जबकि बर्फ पर कठिन है क्यों? ऑप्शन ए है बर्फ सड़क से सख्त होता है, बी सड़क बर्फ से सख्त होता है, सी जब हम पैर अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका सही आंसर डी है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है क्योंकि बर्फ फिसलनदार होता है। अब आगे क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के चार पहियों से प्रत्येक क्रिया पर प्रतिक्रिया आ रहा है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका सही जवाब होगा डी, यह आर से कम होगा। चूंकि ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डिजाइन का टफ है, ये पढ़ना पड़ेगा इसके समझाने के तौर पर, तब ये हो पाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते, इसको देख कैसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कि किसी वस्तु में गति घर्षण डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे न्यूटन पूर्व में ही बता दिया था कि सही वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, मतलब कि किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं तथा वस्तुओं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ए है आर्यभट्ट, बी बारहवीं, सी बुद्धगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही जवाब है डी, ब्रह्मगुप्त। देखो ब्रह्मगुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मगुप्त जो थे वो पहले ही न्यूटन से बता दिए थे कि सभी पृथ्वी जो है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब देखिए ब्रह्मगुप्त जो है सो गुप्तोत्तर, मतलब गुप्त के गुप्त काल में जो सो गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने किया था? ये 2010 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ए, सी सर आइजैक न्यूटन। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है, सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीन नियमों गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है गुरुत्व नहीं होते, बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत अधिक तीव्र होता है, सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगती है, डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका सही जवाब है ए, मतलब अंतरिक्ष में निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, यही आंसर है। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है, अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियाँ वहाँ कमजोर हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती, मतलब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है अभी वो दोगुनी होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है पड़ता हुआ होता, मतलब कितना पड़ता? तो ऑप्शन है अब जितना उसका दोगुना, बी है अब जितना उसका चार गुना, सी है अब जितना उसका चौथा भाग, डी है जितना है उसका आधा भाग। तो सही आंसर है सी, अब जितना है उसका चौथा भाग जो है सो पड़ता। चलिए अब आगे क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, मतलब कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ देते हैं और नीचे की ओर गिरते हैं उसका भार क्या होता है? शून्य, अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, डी सही गलत है। तो इस 36 का सही आंसर है बी, शून्य। जब कोई ऊपर से वस्तु गिराई जाती है उसका भार शून्य होता है, उसका भार कुछ भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरा जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ए लकड़ी, बी मोम, सी लोहा, डी सभी वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगे। तो सही आंसर होगा डी, सभी वस्तुएं साथ साथ पहुंचेंगे क्योंकि सभी पर जो है सो समान बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का समान बल लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? ए वायु, बी जल, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो एक पिंड का अधिकतम भार सही आंसर होगा, सबसे अधिक जो होता है सो हाइड्रोजन में होता है, सबसे अधिक हाइड्रोजन में होता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ए पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, बी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की
अपेक्षा हमारी गति शून्य है, सी बात संपूर्ण वायु सूर्यमंडल की चलायमान है, डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि सही जवाब बी है, बी है, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, यही सही जवाब है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। तो दोस्तों इसी के साथ पूछे गए प्रश्नों का संकलन यही खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब